कंपनी को भी सही से पता नहीं कि कितना एग्जैक्टली प्रोटीन आने वाला है। 18 ग्राम भी हो सकता है, 25 ग्राम भी हो सकता है, 22 ग्राम भी हो सकता है, 16 ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडफिट लैब। मेरा नाम है अभिजीत और आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू हम लोग करने जा रहे हैं वो है एनरूट का डेली वे प्रोटीन का, और इसका टेस्ट होगा मसल प्लस प्रो चेक किट के साथ। क्योंकि कंपनी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसका रॉ इंग्रेडिएंट्स जो है ये इंपोर्ट किया जाता है ग्लैनबिया से। सो आज हम लोग वही टेस्ट करेंगे कि क्या सच में ग्लैनबिया जैसा क्वालिटी ये लोग मेंटेन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, सारा कुछ ये वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले इसका रिव्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं प्रोडक्ट में हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, कंपनी क्या क्लेम कर रहा है, और उसके बाद चेक करेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सारा वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में सारा जानकारी जो है आराम से पता चल जाए। और एक चीज आप लोग को बोल देता हूँ कि अगर नया व्यूअर्स हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में प्रोटीन रिलेटेड वीडियो, सप्लीमेंट्स रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी बायसनेस रख के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो प्रोटीन मैं परचेस करता हूँ उसका जो सच है वही मैं वीडियो में दिखाता हूँ और ऑन कैमरा शूट करता हूँ, ना कि कोई कट, ना कि कोई अलग से एडिटिंग, ठीक है? एकदम जो कैमरा से मैं रिकॉर्ड करता हूँ वही मैं डाल देता हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे पास है ये एक सैशे है जो है 30 ग्राम्स का, और ये इसका जो प्राइस आया है 120 रुपीज। मैंने इसलिए ये एक सैशे लिया क्योंकि ये नया है और मुझे देखना था कि क्या ये प्रोडक्ट सच में सही है या नहीं है। ये प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट्स है ये ग्लैनबिया से इंपोर्ट किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। तो कहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग? वाइटल न्यूट्रिसिटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड जो अंबरनाथ में है वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। और मार्केटिंग कहाँ पे होता है? मार्केटिंग होता है आपका सदवा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप सदवा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाते हो तो आप देखोगे कि सदवा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड अभी एनरूट के नाम से मार्केट में आ रहा है। सो कंपनी यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो डाला है वहाँ पे बोला है कि सर्विंग जो साइज है वो 30 ग्राम। तो ये 30 ग्राम्स है कि नहीं, कम है कि ज्यादा है, जो भी है वो हम लोग जो मेरा जो वेइंग मशीन है उससे हम लोग चेक कर लेंगे। बट जो वैल्यू जो दिया है वो बोल रहे हैं कि अप्रोक्स वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो 30 ग्राम्स में जो हम लोग को प्रोटीन मिल रहा है बोल रहा है 21 ग्राम। तो ये अप्रोक्स वैल्यू, मतलब कंपनी को भी सही से पता नहीं कि कितना एग्जैक्टली प्रोटीन आने वाला है। 18 ग्राम्स भी हो सकता है, 25 ग्राम भी हो सकता है, 22 ग्राम भी हो सकता है, 16 ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे डाल दिया तो कंफ्यूजिंग है। तो कंपनी को मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो वैल्यू आपको आता है एक सर्विंग से वही आप डालिए तो हम लोग को थोड़ा इजी होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4.5 ग्राम्स मेंशन किया है, टोटल फैट जो है 1.5 ग्राम्स मेंशन किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे ग्लूटामाइन ऐड किया गया 0.45, लाइसिन ऐड किया गया 0.39, उसके बाद विटामिन और मिनरल्स ऐड किया। एक चीज मिसिंग है जो है आपका BCAA प्रोफाइल। जब हम लोग वे प्रोटीन को प्रोसेस करते हैं लैब में, जब प्रोसेस होता है तब उसमें BCAA नेचुरली आते हैं, जो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कंपनी कि वे प्रोटीन कंटेंट्स नेचुरल अकॉर्डिंग BCAA, बट वो जो BCAA का वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इससे क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे सच में, मैं मानता हूँ कि आप जो मेंशन कर रहे हो 4.6 ग्राम्स का BCAA ये है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं करने के लिए हम लोग को कभी कभी लगता है कि शायद इसमें एमिनो स्पाइकिंग किया हुआ है, ठीक है? ये बहुत मार्केट में चल रहा है इसलिए, बट मुझे पता नहीं कि इसमें किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, बट क्योंकि आप लोग यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किए हो सो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग एक बार मेंशन कर दीजिए लेबलिंग में, तो हम लोग के लिए वो इजी होता है परचेस करने के लिए, क्योंकि हम लोग को डर लगता है, सच में बोल रहा हूँ। सो ये है आपका टोटल जो कंटेंट यहाँ पे कंपनी मेंशन किया। सो अगर मैं इंग्रेडिएंट्स का बात करूँ, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है वे प्रोटीन कंसेंट्रेट जो एमोनलैक ग्लैनबिया का ट्रेडमार्क है वो वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। कोकोआ पाउडर है, फ्लेवर है, ग्लूटामाइन है, लाइसिन है, मिनरल्स है, विटामिन है और सुक्रालोज यूज किया गया, देखिए, ठीक है? और यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो। सो कंपनी यहाँ पे कहीं पे भी गम, लेसिथिन और आपका जो थिकनर्स है उसका डिटेल्स कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। सो ये भी मेंशन करना चाहिए था क्योंकि सबको पता है कि जब वे प्रोटीन प्रोसेस होता है उसमें लेसिथिन यूज़ होता है। सो कौन सा लेसिथिन या फिर कौन सा गम यूज़ कर रहे हो या फिर कौन सा आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ कर रहे हो जिसके लिए ये प्रोटीन का जो फॉर्मेशन जो क्रिएट होता है, सो प्लीज़ आप लोग वो मेंशन कीजिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखिए। मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर करके आप लोग को सब कुछ मेंशन कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनरूट का टेस्ट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये 30 ग्राम्स आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे वेइंग मशीन है और इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया, देखिए। सो यहाँ पे जो आया है वो आपका 31 ग्राम्स, तो मतलब 30 ग्राम्स ही इसके अंदर है, ठीक है? अभी यहाँ पे है प्रोचेक किट और 200 ml पानी, और चलिए जो पैकेट है इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं।
वे प्रोटीन को डालते हैं 200 ml पानी में, और आज चेक करेंगे कि क्या सच में इसमें ग्लैनविया जैसा क्वालिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए स्मेल देख लेते हैं कैसा है। यहाँ पे चॉकलेट का एक बढ़िया स्मेल आ रहा है, ठीक है। सो 30 grams वे प्रोटीन जो है वो हम लोग डाल दिया। 30 seconds के लिए इसको शेक कर लेते हैं और फोम डिजॉल्व होने तक हम लोग को वेट करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैं करता हूँ ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से, चेक करने के लिए कि कौन सा वे प्रोटीन में क्या दिया जा रहा है, और ना ही कोई कंपनी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। इतना सा फोम जनरेट हुआ, ये डिजॉल्व होते इसको रेडी करते। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं आता है प्रोजेक्ट किट का, बट इससे आपको पता चल जाता है कि सच में आपको वे प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट सॉल्यूशन उसको ओपन करते और ट्यूब का जो कैप है उसको भी ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने क्या किया, ओपन कर लिया, और 35 ml सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते। फोम अभी तक डिजॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग वेट करते फोम को डिजॉल्व होने तक। सो चलिए सारा जो फोम है वो डिजॉल्व हो गया, और अभी जो काम है वो है आपका 10 ml हम लोग को डालना है ये ट्यूब के अंदर, ठीक है। सो 10 ml वे प्रोटीन हम लोग को डालना है, और ये देखिए यहाँ पे पूरा 10 ml हम लोग यहाँ पे वे प्रोटीन डाल दिया। बढ़िया कार्डलिंग यहाँ पे शो हो रहा है, कितना बढ़िया एक कार्डलिंग आया है। तो इसका मतलब है इसके अंदर वे प्रोटीन आपका है, बट कितना क्वालिटी है और कितना क्वांटिटी है वो हम लोग को पता चलेगा एक दिन के बाद। सो अभी का जो टाइम है वो है 4:13 PM 13 अक्टूबर थर्सडे, ठीक है। सो चलिए इसको 10 seconds के लिए शेक कर लेते और इसको छोड़ देते। उसके बाद प्रोटीन का जो टेस्ट है, मतलब कैसा पीने में लगता है, वो मैं आप लोग को बोलूँगा। तो चलिए 10 seconds इसको शेक कर लेते। सो 10 seconds मैंने शेक कर लिया। अभी इसके ऊपर एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे एन रूट होय प्रोटीन लिख दिया और इसको मैंने छोड़ दी। सो चलिए अभी टेस्ट करते हैं एन रूट होय प्रोटीन को, और ये चॉकलेट फ्लेवर में है, मुझे सबसे अच्छा लगता है चॉकलेट पीने में। तो चलिए ठीक ठाक है, बहुत बेहतरीन चॉकलेट का फ्लेवर नहीं है, बट कैरामेल और चॉकलेट का मिक्सचर कुछ है, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। टेस्ट ठीक ठाक है, आप पी सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सेपरेशन क्रिएट हुआ है, बट ये जो हुआ है ऊपर में कुछ है नीचे में कुछ प्रेसिपिटेशन बैठा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो एज पर मसल बेस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार हम लोग को ट्यूब को ऐसे 2-3 बार शेक करना पड़ेगा, फिर हम लोग को छोड़ देना पड़ेगा, फिर जाके प्रेसिपिटेशन जो है वो नीचे धीरे धीरे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी का जो टाइम है 4:24 PM 14 अक्टूबर फ्राइडे, और यहाँ पे है आपका एन रूट जो वे प्रोटीन था इसका रिजल्ट आ गया है यहाँ पे। सो ये था ग्लैनविया का प्रोटीन, और चलिए देखते हैं कि कंपनी जो क्लेम किए थे 70% प्रोटीन पर 100 grams में, उसके हिसाब से आया है कि नहीं हम लोग देखते हैं। चलिए सो यहाँ पे है आपका मसल बेस प्रोजेक्ट किट का ट्यूब, और यहाँ पे रिजल्ट आया है आपका 10-11 के बीच में, एकदम मिडिल में आया है। सो एज पर प्रोजेक्ट किट ये जो रिजल्ट है इसलिए मैं पास कर गया, क्योंकि इसका रिजल्ट का मतलब है आपका, मतलब 10-11 के बीच का मतलब है आपका 75-85% के बीच में। सो एज पर हिसाब से ये पास हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे शो हो रहा है, और कंपनी भी बोला था कि अप्रोक्स वैल्यू, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही आया है। चलिए अभी एक चीज़ देखते हैं कि कितना क्लीन है। तो क्लीन है एकदम सॉल्यूशन, देखिए एकदम क्लीन है, और ऊपर में थोड़ा कुछ वो थोड़ा बहुत जो कार्बोहाइड्रेट है शायद वही ऊपर फ्लोट कर रहा है जो भी है, और नीचे जो प्रोटीन है वो एकदम प्रेसिपिटेशन अच्छे से बैठ गया। तो चलिए अभी देखते हैं इन्वर्शन टेस्ट में क्या पास करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। सो इन्वर्शन टेस्ट से हम लोग को पता चलेगा कि क्वालिटी प्रोटीन दे रहा है कि नहीं, जितना क्वालिटी ग्लैनविया देते हैं उतना क्वालिटी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो चलिए हम लोग इसको उल्टा करते हैं और टेस्ट करते हैं।
टू वन। सो क्वालिटी में तो फेल कर गया, मतलब आप लोग देखिए यहाँ पे क्वालिटी में पास नहीं किया। सो एज पर मसल ब्लिस अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि पूरा प्रोटीन नीचे गिर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रोटीन का क्वालिटी, मतलब ये वे प्रोटीन जो है ये उतना खास क्वालिटी का नहीं है और फेक भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग के सामने जो हुआ है सो मैंने आप लोग को दिखा दिया। सो अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग इसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, मेरा काम तो आप लोग को दिखाना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।